ये बात है 2-3 दिसंबर के दरमियानी रात 1984, जहाँ पर यूनियन कार्बाइड से गैस निकली थी, किसी को पता नहीं था। तो सबसे पहले यदि मैं हिस्ट्री दूँ तो 11:30 बजे कुछ मरीज आँखों में जलन, सांस में तकलीफ बोल के हमदिया अस्पताल के इमरजेंसी में गए। तो वहाँ पर डॉक्टर दीपक गंधे वॉज ऑन ड्यूटी, तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने बोला साहब कुछ गैस निकली है यूनियन कार्बाइड का। तो उस वक्त यूनियन कार्बाइड में डॉक्टर थे लोया, तो डॉक्टर दीपक गंधे ने लोया साहब को फ़ोन किया कि सर आप तो वहाँ पर यूनियन कार्बाइड में डॉक्टर हैं, वहाँ पर कोई गैस निकली है जिसमें से आदमी को तकलीफ हो रही है। तो लोया साहब ने कहा कि ये गैस कोई इतनी जहरीली नहीं है, ये पानी से धोने से धुल जाता है। आधे घंटे के बाद 8-10 लाशें आ गईं। तब दीपक गंधे डॉक्टर ने फिर से लगाया, उन्होंने कहा कि तुम आप तो बोल रहे थे कि ये मामूली गैस है और यहाँ पर तो लाशें आने लग गई हैं। तब डॉक्टर लोहिया ने कहा कि यकीन मानो मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। और ये सही भी है, क्योंकि यदि यूनियन कार्बाइड वाला पूरी भोपाल की जनता वहाँ पर काम करने वाले सभी को ये बोलता है कि इसका एक पब भी सूंघेगा आदमी तो मर सकता है, तो सर फैक्ट्री में कोई काम ही नहीं करता, जान प्यारी है सबको। बात तो ख़त्म हो गई। अब करीब 3:30 बजे मेरे प्रोफेसर हरीश चंद्रा मेरे घर में आए ईदगाह में, मैं बाहर निकला तो उन्होंने इतना ही कहा कि जल्दी से जल्दी मार्चुरी पहुँचो, कैजुअलिटी हैज टेकन प्लेस बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, हमारी कल्पना से भी अधिक पहुँच गई। तो मैं इमीजिएटली तो ताजुल मस्जिद से लेकर हमीदिया के रोड इमरजेंसी तक आदमी भरे हुए थे, कोई मरा था, कोई अंतिम सांस ले रहा था, कोई उल्टी कर रहा था, चीख पुकार सब बची थी। मैं ले देकर वहाँ पर पहुँचा, डॉक्टर से बात किया, तब तक कम से कम न होने से 50-60 लाशें इमरजेंसी में जो बाथरूम थे दो उस पर जैसे बोरा थप्पी लगाते हैं इस तरह रखी हुई थी, और कुछ लाशें मार्चर में भी पहुंच गई थी। किसी को कुछ भी मालूम नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एनीवे जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट था, किसी को उल्टी हो रही है तो उल्टी की दवा दे दी, किसी को सांस उखड़ रही है ऑक्सीजन सुखा दी, इस तरह, क्योंकि उसका विधिवत ट्रीटमेंट तो कुछ था नहीं, सिम्टोमेटिक था। एनीवे अब हमारा जो मुख्य काम था शव का पोस्टमार्टम करना, मौत का कारण ढूंढना, और उसकी ये जिम्मेदार कौन है ये पता लगा। तो मार्चुरी में जो लाशें आ गई थी उस वक्त तक कम से कम 400-500 लाशें तो आई गई थी। अब कुल मिला के हमारे डिपार्टमेंट में 3-4 आदमी, तो इतने लाशों को हैंडल करना ये भी कष्ट है, और पहले प्रोटोकॉल तो था नहीं ऐसा, कभी एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि डिटेल पोस्टमार्टम न करके एक छोटा सा पोस्टमार्टम रिपोर्ट फॉर्म बनाएं जिसमें कि सभी चीज़ आ जाए जो मुख्य बिंदु है, नंबर एक। नंबर दो, हमने जो इंटर्न और जो फाइनल ईयर फोर्थ ईयर के लड़के थे हमने उनको बोला कि बेटे अब एक काम करो, बॉडी को डिवाइड कर लो 1 से 10, 11 से 20 तक, 21 तक, और जो भी तुमको समझ में आ रहा है वो कागज में लिखना चालू करो। दूसरा, इसके पहले कई डेड बॉडी तो रिश्तेदार आके छोड़ गए, पुलिस वाले आप छोड़ गए, और रिश्तेदार भग गए, तो कौन सी लाश है, क्या नाम है? अच्छा, नाम मालूम है तो उसका कोई क्लेमेंट नहीं है। तो हमने निर्णय लिया कि अब हमारे यहाँ नाम से कोई नहीं, अब डेड बॉडी नंबर से पहचानी जाएंगे। तो हमने सभी को फोटो लिए, एक स्लेट लिए, स्लेट में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर स्लेट लिए, और लड़कों को बोला कि 1 नंबर बॉडी 2 नंबर बॉडी का 1 से 10 तक तुम लिखो,
मुझे तलवार छापे है, माथे पे बिंदिया लटकी हुई है, नाक पे टॉप्स पे जो भी है, और उसके कपड़े निकाल के उसके दाहिने हाथ में पोटली में बांध दो जिससे कि उसका शिनाख्त कर सके। उसके बाद पोस्टमार्टम चालू। सर, गैस पीड़ित लोग मतलब किसी ना किसी बीमारी की चपेट में ही है, उनकी आने वाली पीढ़ियां किसी ना किसी चीज को फेस कर रहे हैं, बच्चे जो हैं मानसिक रूप से विकलांग पैदा हो रहे हैं, तो इस चीज को कब तक फेस करना होगा भोपाल के लोगों को? देखो 1942-45 में हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा था, इतने वर्षों से अभी भी उसका असर है। तो इस तरह के गैसेस, रासायनिक गैसेस जो हैं, ये कब तक असर करेंगी ये तो एक अध्ययन का विषय है। पर आश्चर्य है अभी तक कोई भी वैज्ञानिक संस्थान इसका बीड़ा उठाया नहीं है। तात्कालिक रूप से 2-3 साल के लिए, क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशन कब करेगा, विकलांग बच्चे कब पैदा होंगे, कौन सी जनरेशन में दिखेगा, इन सब का अध्ययन करना चाहिए। मगर न सरकार न वैज्ञानिक इसको अभी कोई अध्ययन नहीं कुछ नहीं कह सकते कितनी पीढ़ियों तक जा। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी आश्चर्य बात यह है कि जिसको भी पूछो बोलता है कि एमआईसी निकला। एमआईसी नहीं निकला है, एमआईसी के साथ कम से कम 10,000 गैसेस निकले हैं मिक्स होकर सारा, क्योंकि एमआईसी तो टैंक में था, हादसा हुआ जब पानी उसमें गया, जब पानी गया तो वहां पर पानी और गैस में एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिसमें टेम्परेचर भी बढ़ा और प्रेशर भी बढ़ा। तो सबको मालूम है देयर वाज ए कांस्टेंट कंटिन्यूअस थर्मल चेन केमिकल रिएक्शन। ऐसी परिस्थिति में कब क्या बना, हो सकता है कि इनिशियल स्टेज में 15 गैस बने हो जो उड़े, उसके बाद ये 15 मिक्स होके फिर 5 बन गए, फिर 5 डिवाइड होके 25 बन गए। तो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट गैसेस निकले, आउट ऑफ दैट गैसेस कितने पॉइजनस थे, कितने नॉन पॉइजनस थे, कितने डेडली पॉइजनस थे, कितना माइल्ड पॉइजनस थे, कितने लीवर पे एक्टिंग करेगा, कौन ब्रेन पे एक्टिंग करेगा, ये सब एक अध्ययन का विषय था। उसके लिए हमने एक सजेशन दिया था कि हम एक लोहे का टैंक बनाते हैं, जैसे यूनिट गारमेंट का टैंक जैसा छोटा सा मॉडल, उसमें 1 किलो या 2 किलो एमआईसी रख देते हैं और उस पर पानी भर देते हैं, और उसके बाद बीच में से जो गैस बनती रहेगी उसको निकाल निकाल के हम संग्रह करें हर 15 मिनट में 20 मिनट में जो भी है, जिससे कि कालांतर में उसका अध्ययन करें कि ये गैस 1 किलोमीटर तक गया होगा इसके एटॉमिक वजन से, ये गैस इतना मीटर गया होगा, ये गैस डायबिटिक पैदा कर सकता है, ये गैस कैंसर पैदा कर सकता है, जिससे क्या होता है कालांतर में कि 1 किलोमीटर के बीच के आदमी को ये बीमारी हो सकती है, 2 किलोमीटर आदमी को ये और ये दो तरह की बीमारी हो सकती है, ये अध्ययन में हमें सुविधा मिलता। पर इसको क्या नहीं किया, देखिए मैं मुख्यतः मुर्दों का डॉक्टर रहा हूँ, मैं सजेशन कर सकता हूँ किंतु ये बीड़ा तो उठा नहीं सकता। तो इस तरह जो हमारे साथ लापरवाही हुई है या जिसको कह सकते हैं अज्ञानता हुई है, तो अब उसका कोई भरपाई तो है नहीं, गवर्नमेंट का इसके लिए कोई सपोर्ट नहीं मिला। अब देखिए हम यदि गवर्नमेंट को बोलते, मतलब कि जो ऑथराइज संस्था है, तो शायद गवर्नमेंट कुछ करती, गवर्नमेंट क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे कामों में हम वैज्ञानिक लोग ही गवर्नमेंट को सजेशन देते हैं कि ये कीजिए, वो नहीं करते तो हम उसको ब्लेम करते, पर हम लोगों ने बोला ही नहीं उनको, है ना। अच्छा दूसरी बात क्या है कि अभी भी जो गैस पीड़ित एरिए में जाएंगे, कारण इसलिए कि जब हमने तीसरे दिन यूनियन कार्बाइड से पूछा तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है ये एमआईसी, पर किसी भी हालत में ये पेट में गर्भ में जो बच्चा है उस तक नहीं पहुंच पाएगा, माने कि नन ऑफ द पॉइजन विल क्रॉस द प्लेसेंटल
ब्लड बैरियर लेवल, उन्होंने बोला। तो कई महिलाएं गैस खाई, गर्भवती थी, जी गई, कई महिलाएं मर गई। तो हमने उनके बच्चा और महिला दोनों का ब्लड लिया। दोनों का ब्लड को जब हम एनालिसिस करते हैं, महिला में जो पॉइजन है बच्चे में भी पॉइजन है, इसका मतलब यूनिट का अनुभव झूठ बोल रहा है। तो ये तो मर गया बच्चा, किंतु जो बच्चे पैदा हुए, जो माँ ने सुना था, तो बच्चे में तो पहुंचा ही है। इसका मतलब कि वह बच्चा जहर के साथ पैदा हुआ है, तो उसका डेवलपमेंट क्या होगा, कौन से अंग विशेष पे इसका प्रभाव पड़ेगा, ये सब चीजें अनदेखी रही, अनछुई रही, जिसका कि हम सब कसूरवार हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।